अगर आपने ये क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो आप 110% फर्स्ट इंटरव्यू में सिलेक्टेड हैं। आप टेक महिंद्रा से इंटरव्यू दे करके आ रहे हैं तो आप सेलेक्ट हो गए आप टेक महिंद्रा में जी मैं हो चुका अभी आप पढ़ भी रहे हो जहाँ अभी मैं पढ़ भी रहा हूँ और साथ में जॉब भी करूँगा तो मैं भी यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू देने आई थी फैमिली बैकग्राउंड था और आप न, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने क्या मतलब आपने कौन सी एजुकेशन प्रेफर करी है तो उससे रिलेटेड सारी चीजें आपसे पूछी जाती है काफी अच्छा इंटरव्यू होता है हेलो एवरीवन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब नाउ ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम पर दोस्तों आज मैं आई हूँ टेक महिंद्रा आप देख सकते हैं मेरे पीछे टेक महिंद्रा की बिल्डिंग है और यहाँ पर मैं काफी सारे लोगों से बात भी करने वाली हूँ सबसे पहले तो आपको बता दूं कि टेक महिंद्रा में डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यूज चल रहे हैं कौन कौन सी पोस्ट पर ये वैकेंसीज आई कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग इस वक्त इंटरव्यू दे करके आ रहे हैं हम उनसे भी बात करेंगे और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी काफी दिनों से काम कर रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे और उनके द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कितनी एग्जैक्ट सैलरी दी जा रही है सारी जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर sure आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो और बेलाइकन को भी दबाया हो सो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले तो मैं आपको जॉब वैकेंसी के बारे में अपडेट दे देती हूँ कि कहाँ पर डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यूज जो हैं टेक महिंद्रा में कंडक्ट कराए जा रहे हैं आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं ऑलरेडी जॉब नाउ ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारी की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आप सभी के सामने पोस्ट हो चुकी है यहाँ पर आप रीड आउट भी कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं मेगा ड्राइव इन जो चल रहा है डायरेक्टली टेक महिंद्रा में चल रहा है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ये वैकेंसी नहीं आई है डायरेक्टली टेक महिंद्रा में आई है एड्रेस भी

तक डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं चौदह अक्टूबर से इक्कीस अक्टूबर तक ये डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू होने वाले हैं अक्टूबर के बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जब आप जॉब ना ट्वेंटी तो आपको लेटेस्ट ही जॉब आपको पुरानी कोई वैकेंसी नहीं दिखेगी तो आप लेटेस्ट वाली में ही अप्लाई करना ठीक है अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर किस किस पोस्ट के लिए ये डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराए जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल पर ये डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू कराए जा रहे हैं यहां पर देखिए मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कुछ चीजें बता देती हूं यहां पर अगर आपने ट्वेल्थ पास किया है आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप ट्वेल्थ पास है ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं आप ट्वेल्थ पास हैं सिर्फ ट्वेल्थ पास हैं आगे पढ़ने की कोई इच्छा नहीं है तो आप अप्लाई मत करना ट्वेल्थ पास के साथ साथ अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं या अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इज रिक्वायर्ड सिक्स डेज वर्किंग और सैलरी आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं वन साइड कैब इन ऑड आवर्स इज अवेलेबल ओनली इमीजिएट ज्वाइनर जो लोग इमीजिएटली ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग यहां पर अप्लाई करें देखिए यहां पर अप्लाई करने के लिए मैंने आपको डायरेक्टली एच आर के जो व्हाट्सएप नंबर हैं व्हाट्सएप नंबर जो हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं प्लीज प्लीज़ प्लीज़ आप उनको कॉल मत करना इनकेस अगर मेरे पास ऐसी कोई कंप्लेन आती है तो मैं यहां से नंबर हटा दूंगी तो आपको ही इनकनवीनियंस लगेगी तो आपसे कहना चाहूँगी कि यहां पर आपको कॉल नहीं करना है डायरेक्टली व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप करने के बाद अगर आपका रिज्यूमे सेलेक्ट होता है आपके पास आता है मैसेज तो ही आपको डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है अदरवाइज नहीं करना है काफी सारे लोग डायरेक्ट भी जाते हैं आप भी जा सकते हैं लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले व्हाट्सएप करें अपना रिज्यूमे डायरेक्टली को चार नंबर मैंने दिए हैं चार से पांच नंबर दिए हैं एक पर रिवर्ट नहीं आएगा तो दूसरे पर आएगा दूसरे पर नहीं आएगा तो तीसरे पे आएगा तो आप सबको व्हाट्सएप कर दीजिए अपना रिज्यूमे और अगर उनको आपकी प्रोफाइल सूटेबल लगती है तो वो आपको बुला लेंगे आपका फिर इंटरव्यू दिया जाएगा और अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो फिर आप सेलेक्ट भी यहां पर हो जाएंगे अब इंटरव्यूज में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं डायरेक्टली जिस जगह पर ये वॉक इन इंटरव्यू चल रहे थे मैं वहां पर गई थी मैंने काफी सारे लोगों से बात की थी तो आप वो भी देख लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे ड्यूरिंग द इंटरव्यू ओके जैसे कि मैं आपको बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले जो हुआ था आपका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है हर जगह इंट्रोडक्शन था फैमिली बैकग्राउंड था और आप अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने क्या मतलब आपने कौन सी एजुकेशन प्रीफर करी है तो उससे रिलेटेड सारी चीजें आपसे पूछी जाती है अगर आप एक्सपीरियंस बेस्ड है तो मान लीजिए आपने सेल्स एंड मार्केटिंग से आप पाया जैसे मैं सेल्स एंड मार्केटिंग की थी तो मेरा यहाँ पे प्रोसेस चेंज हुआ है मैं फ्लिपकार्ट की चैट पे आ गई अगर मैं सेल्स एंड मार्केटिंग

बट आपके कम्युनिकेशन आपके नॉलेज के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप कैसा प्रिफर कर सकते हो लगभग मैम कितनी सैलरी ये लोग प्रोवाइड करते होंगे अगर ऑन एन एवरेज देखी तो लगभग कितनी सैलरी मिल जाती है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर ऐसे करता है डिपेंड ये ये ऐसा फिक्स नहीं होता कि आपको इतनी मिलेगा मैं एक्सपीरियंस हूँ तो मुझे ज्यादा प्रोवाइड कर सकते है मैं जैसे मैंने फ्रेशर हूँ तो वो एक कन्फर्म डेट नहीं होती कन्फर्म पीरियड नहीं होता वो कंपनी पर ही डिपेंड करता है कि आपको कैसे प्रोवाइड कर कोई फीस कोई चार्जेस नहीं, नहीं ऐसा थे? कुछ भी नहीं कोई भी इस एम एन सी कंपनी कोई फीस कोई चार्जेस कुछ ऐसा रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं अच्छा मैम जी मैम जैसे आ, काफी सारे लोग हैं जो की अप्लाई करते हैं तो आपको इस वैकेंसी के बारे में कैसे पता चला था Uh, मैं भी YouTube वगैरह में सर्च करती थी वो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे यहाँ पे जॉब करते थे तो मुझे उनके थ्रू पता चला था तो मैं भी यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू देने आई थी डायरेक्ट वॉकिंग क्योंकि हर वक्त चलती रहती है डायरेक्ट वॉकिंग यस थैंक यू सो मच यू आर मोस्ट वेलकम सर अभी जैसे की आप टेक महिंद्रा से इंटरव्यू दे करके आ रहे हैं तो आप सेलेक्ट हो गए यहाँ पर टेक महिंद्रा में जी मैं सेलेक्ट हो चुका तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको इस वैकेंसी के बारे में पता कैसे चला इस वैकेंसी के बारे में जैसे मैं अपनी कोचिंग में जाता था तो हाँ। मैंने उन मैम को रिक्वेस्ट किया था कि मैम अगर कोई भी जॉब हो तो आप मेरे को बताइएगा हाँ। तो उनके सोर्स के थ्रू मेरे को यहाँ पे एक प्रिंट सर करके हैं उनका नंबर मिला फिर उनके थ्रू मैं यहां पे इंटरव्यू देने आया था अच्छा जैसे यहाँ पर रेगुलरली हायरिंग चलती रहती है जी तो अभी इंटरव्यूज में मतलब आपको तो किस पोजीशन पर सेलेक्ट करा गया है मेरे को एज अ कस्टमर कस्टमर एग्जीक्यूटिव के पोजीशन पर सिलेक्ट किया गया है अभी फिलहाल एज एज एन एन इंटर्न इंटर्न या। क्योंकि मैं अभी से हूँ अच्छा। तो सेकेंड ईयर के हिसाब से मेरे को एज ए इंटर्न उन्होंने हायर किया है मतलब अभी आप पढ़ भी रहे हो या अभी मैं पढ़ भी रहा हूँ और साथ में जॉब भी करूंगा मतलब तो दोनों चीज आप दोनों साथ में अच्छा। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं आपको देख आएंगे भी जो अभी क्योंकि यहाँ पर अभी डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यूज चल रहे है तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इंटरव्यूज़ में आपकी पढ़ाई के रिलेटेड तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछा जाएगा जो आप पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो कुछ भी नहीं डेली बेसिस के ऊपर पूछा जाएगा फॉर एग्जाम्पल मैं अभी तक कम से कम तीन कंपनीज में इंटरव्यू दे चुका हूँ तीनों कंप्यूटर तीनों कंपनी में पहला इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन होता है कि आपने कल क्या किया ये ते टेल मी अबाउट योर यस्टरडे ये हर एक कंपनी में सेम क्वेश्चन होता है तो प्रिपेयर करके आना अच्छी तरीके से अगर आपने ये क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो आप हंड्रेड फर्स्ट इंटरव्यू में सिलेक्टेड हैं आपने क्या जवाब दिया था पर मैंने वही जवाब दिया था जो डेली रूटीन होता है मतलब आप ये ऐसे जवाब देना कि जैसे आपका पूरा शेड्यूल बिजी है मतलब आप सुबह उठे फ्रेशन अप हुए कॉलेज गए कॉलेज से आए फिर आपने मतलब आप ऐसा बताना कि जैसे आपके पास कुछ ट्रेवल जर्नी है अगर आप कहीं और से हैं तो अच्छा हाँ। तो ये आपने जवाब इंग्लिश में दिया था या हिंदी में दिया था इंग्लिश में ऑब्वियसली क्योंकि सारा जो भी इंटरव्यू चलेगा वो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही चलेगा

आ, ऐसा भी कुछ स्पेसिफिक है कि यूनिफॉर्म में यही पहन करके आना है नहीं 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 ऐसा, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, नहीं। कुछ स्पेसिफिक नहीं है आप कई सारे लोगों को भी देख रहे होंगे यहाँ पे टेक महिंद्रा की वो बैचेस लगा के घूम रहे होंगे ऐसा कुछ कम्पल्सरी नहीं है कि आपको यूनिफॉर्म में ही आना है अच्छा एक कोई इंटरव्यू टिप क्या देना चाहोगे आप किसी को अगर बोलना चाहो कि ये इंटरव्यू टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यहाँ पर इंटरव्यू देने आ रहे हो आप एकदम अगर आपको आंसर भी नहीं आता हाँ। एकदम वेरी कॉन्फिडेंट होके बिना हिचकिचाए अगर आप इंग्लिश में कुछ भी बोल देते हो ना तो यू विल बी सिलेक्टेड बट आपको इंग्लिश के कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा फिर आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आप इंग्लिश मीडियम मीडियम से से हो वैसे या हिंदी से? मैं बेसिकली दो मीडियम से हूँ गुजराती मीडियम से भी हूँ और सीबीएसई अच्छा। से भी इंग्लिश मीडियम में से भी हूँ अच्छा। तो दोनों तो में तो इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या करा मैंने इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली सी सी की यूट्यूब पे बहुत सारे न्यूज चैनल देखे और हॉलीवुड की बहुत सारी सीरीज मूवीज बहुत सारी नेटफ्लिक्स में अभी तक मेरा सब्सक्रिप्शन चल रहा है इंग्लिश में, में, में ही क्योंकि तो इम्प्रूव करने के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सुनो हाँ। फिर आप मतलब ऐसा होता है कि आप सुनते हो तो फिर आप उसको बोल पाते हो ऐसा लगता है कि सुन रहे हैं हाँ आप फिर आपके जब आप बात करते हो आपके माइंड में चलता है कि नहीं, to to this, like this, तो ये सब चलता है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं थैंक यू सो मच थैंक यू सो फ्रेंड्स आई होप मैंने आपको पूरी जानकारी दी अप्लाई करने के लिए सभी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं फटाफट से वहां पर अप्लाई कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय